इसको इस प्रकार अंदर ऐसे कीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। बकेट को घुमा घुमा के एक बार इधर से एक बार इधर से चम्मच से हो सकता है करने। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में मस्त, स्वस्थ और व्यस्त होंगे और अपनी व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल करके आप मेरा ब्लॉग देखेंगे। तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं या कभी नहीं देखे हैं तो उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं आम काट के रख ली हूँ और उसे सूखने डाल दी हूँ। तो सूखते हुए आज मैं अभी शाम का वीडियो शूट कर रही हूँ कि सुबह तो आम वगैरह काटी थी तो बहुत थक गई थी तो दोपहर में फिर थोड़ा सा रेस्ट की हूँ। और सुबह से अब तक ये देखिए पंखे की हवा में मैं सूखने दी हूँ। ये अचार काम है और पीछे जो है वो चूरा हुआ या कटाफटा जो निकला था उसको मैं सूखने दी हूँ सुखावता के लिए। सुखावता भी बहुत काम देता है। तो अचार काम अभी सूख गया है, तैयार हो गया है, सानने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अभी मैं थोड़ा देर बाद उसको सानूंगी क्योंकि मेरा बेटा बोला है, खेलने गया है अभी, वो बोला है कि मैं भी अचार बनाऊंगा तुम्हारे साथ। तो मैं तेल को हल्का गुनगुना करके ठंडा करके ले ली हूँ। ये सरसों का तेल है, ये मार्केट का तेल नहीं है, ये घर का पिसाया हुआ तेल है। और अभी मैं शाम में कपड़ा धोई हूँ क्योंकि दोपहर में मैं थक गई थी, दोपहर में कपड़ा नहीं धोई थी। तो बहुत सारे काम, जैसे एक्स्ट्रा काम करने से बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं। अभी मैं इसको सूखने के लिए डालती हूँ, फिर भाई बेटा आएगा, फिर अचार सानूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए अंत तक। तो देखिए अभी शाम भी हो गया है, लाइट जला लेती हूँ, शाम हो गया है। ये जो स्वास्तिक का लाइट देख रहे हैं ये मेरा बहुत पुराना है, ये चिरमिरी का है, कक्का जी का एक दुकान हुआ करता था वहां का है। और ये बैक साइड में देखिए मैं अभी कपड़ा डाल दी हूँ, मैं ऐसे अपने बरंडे के शेड में ही डालती हूँ कपड़ा शाम का क्योंकि तुरंत सूख जाता है। अभी मैं इसको पर्दा लगा देती हूँ और चलती हूँ छत पर लाइट जलाने, आपको छत के ऊपर का शाम का व्यू दिखाती हूँ। इधर भी यहाँ से लाइट जलता है, एक बाहर जला और ये अंदर जला। और इधर बैक साइड में ये कार्टन के पीछे कबूतर बैठता है जो कि अभी मेरे आने के आवाज से सामने वाली भाभी के घर भाग गया। देखिए सर, अभी ऊपर चलती हूँ थोड़ा सा घूमने। मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, घर परिवार अपने ही लोग, कोई पराये नहीं होते हैं, जो बोलते हैं वो अपने ही होते हैं। उनसे बोलना चाहती हूँ, लोगों का शिकायत रहता है मैं करती क्या हूँ, जो लोग उम्मीद करते रहते हैं कि मेरे से बैठ के फोन पे घंटों बातें करे, मेरा दिल बहलाए, तो भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करती हूं तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए कि मैं क्या क्या करती हूं। पता नहीं जो होगा आपके पास काम नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इतने काम है कि मतलब टाइम कम पड़ जाता है, 24 घंटा भी मेरे लिए कम पड़ जाता है। ये एक बालकनी हुआ, इधर देखिए छत पर टंकी है, मेरे दो टंकी है, एक सिंटेक्स है, सिंटेक्स के पीछे वो सीमेंट का ही टंकी है। और मेरे आम झूल रहे हैं टंकी के पास, देखिए आम झूल रहे हैं, बहुत नहीं फला है, थोड़ा ही है, सड़ भी रहा है। ये आम मेरा फला है, ये बैक साइड में देखिए ये वाला आम फला है, लेकिन कोई तोड़ने वाला यहाँ नहीं है। अब दूसरा बालकनी दिखाते हैं,
अरे बहुत सारा काम भी करवाई हूँ, बिजली वाले आए थे, एक दिन आंटी आई थी तो मैं दिखाई थी ना कि आम का टहनी गिर गया था बिजली का लाइट तार लेकर के, उतना दिन से कंप्लेन किए हुए, आज सही हुआ है। तो देखिए यही ये जो खाली दिख रहा है एरिया, यहीं से ये पूरा आम का टहनी वो टूट के गिर गया, वो लाल जो दिख रहा है वहाँ पर वही टहनी टूट के गिरा है जिसमें से आम निकला। और ये देखिए ये छत पर से मेरे यहाँ लाइट लाया गया है, पहले जो था ये आम के पीछे उस पोल से लाया गया था, तो आम के पेड़ में तार बंधा हुआ था इसलिए गिरता था टहनी वगैरह तो तार लेके गिर जाता था। इस बार मैं सीधे से करवा दी कि अगर बाय द वे गिरे भी तो कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अभी बच्चा आएगा तो फिर अचार सानूंगी। गौर से देखिए इस बच्चे को जिसको घर में कहीं जगह नहीं मिला है बैठ के पढ़ने के लिए, देखिए बक्सा पर बैठ के पढ़ रहा है। अभी पढ़ने के बाद जाएगा अचार बनाने, मम्मी खाना बना लेगी फिर अचार बनाएगा। तो देखिए अभी रात के 9 बज रहे हैं, खाना पीना मैं बना ली हूँ और उसके बाद अब अचार सानने जा रही हूँ। अचार सानने के लिए देखिए आम को पहले जिस बर्तन में सानना है उस बर्तन में रख लेती हूँ, मैं बाल्टे में रख रही हूँ, मेरा स्टील का बर्तन है जो खाली नहीं है तो मैं आज बाल्टे में ही रख रही हूँ, इसी में सानूंगी। अच्छे से पूरा डालो बेटा बर्तन में, बढ़िया से, कूड़ा उड़ा नहीं, साफ सुथरा, गंदा संदा आम का जो छिलका है वो दिखेगा जो निकाल के। इसमें कोई मैटर नहीं रखता है कि स्टील का बर्तन ले रहा है, कांच का बर्तन ले रहा है, प्लास्टिक के बर्तन ले रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर किसी भी चीज में आप बना सकते हैं और रख सकते हैं। तो पहले मैं इसमें पूरा आम ले ली हूँ, मसाला डालेंगे और ये मसाला मैं रेडी करके रखी हूँ, चम्मच से लो डालो, आधा से ज्यादा तो डाल जाएगा हाथ से, घटे जाता और डालेंगे, और उसमें से कश्मीरी लाल मिर्च का डब्बा लेके आओ, इसमें हींग नहीं डाला हुआ था, हींग डाल देते हैं, देखिए इतना हींग मैं डाल दे रही हूँ, एक डिब्बा था जो पूरा मैं डाल दी, हींग से खराब नहीं होता है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कि कलर के लिए सिर्फ डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा खिल के आता है, तीखा नहीं होता, ये तीखा नहीं होने देता है, तीखा के लिए अलग से डाले हैं, तीखा के लिए अलग से मिल जाता है, जितना भी देना चाहे, मैं जितना देना चाहती हूँ डाल दी हूँ। अब इसमें हल्दी डालती हूँ, हल्दी नहीं डाला हुआ है, हल्दी और नमक अचार में कम नहीं होना चाहिए, हल्दी और नमक कम होने से अचार खराब होता है, जितना बनाए उसके हिसाब से डालना, बेसिन में डालो, उधर क्या दिखा रहे, नमक डालते हैं, नमक भी कम नहीं होना चाहिए अचार में, नमक ज्यादा हो तो हो कम नहीं होना चाहिए, टेस्ट करके आप बाद में भी डाल सकते हैं। ये अचार आम जो है जो अभी खींचा ज्यादा था, अभी और इसको मतलब पेड़ में रहता ज्यादा टाइम, अभी हमारे भाषा में कहते हैं अभी जुआया नहीं था, अचार के लिए तैयार नहीं हुआ था, इसलिए मैं सुखाई इसको ज्यादा, कम सुखाते ना तो ऐसा अचार टिकता नहीं है, ये खींचा आम का अचार थोड़ा सा सुखा करके ही बनता है। नमक थोड़ा दे रहे हैं अच्छा से, देखिए
आधा से ज्यादा दे दिए, तो टेस्ट से थोड़ा ज्यादा देना है। हटो बेटा, साथ में सानना बाद में। तेल डाल, तेल देखिए मैं गरम करके ठंडा करके रख ली हूँ। एक कढ़ाई तेल, पहले तेल हम इतना डालेंगे जिससे कि मसाला अच्छा से इसमें सना जाए। बाकी तेल आप बाद में भी दे सकते हैं, बर्नी में भरने समय, जब जार में भरेंगे ना उस समय भी हम तेल डाल सकते हैं। नो, जल्दी मिक्स करो फिर हम करेंगे, फिर खराब हो जाएगा, फिर सोने भी जाना है, कल स्कूल भी जाना है दीदी को, ऐसे थोड़े है, वैसे नहीं होता। तुम देखो ना, हर चीज बच्चा नहीं करता है बेटा, देख के पहले सीखो ना, बड़ा होना तक करना। इस प्रकार से नीचे ऊपर करके पूरा को हम पहले मिक्स कर लेंगे, सारे आम में मसाला लग जाना चाहिए। हाथ से टच नहीं करना है, मतलब अब हमको अचार को हाथ लगाना ही नहीं है, जितना लगाना था लगा लिए। थोड़ा सा इसको खुला बर्तन होना चाहिए था, तो मैं खुला बर्तन में नहीं की, वो स्टील का बर्तन मेरा फ्री नहीं है, और प्लास्टिक का जो बड़ा वाला टैब है मैं नहीं चाहती उतना बड़ा में करना। इसको ढक के धूप दिखाने में आसान होगी, इसलिए मैं बकेट को ही चुनी। बढ़िया से नीचे ऊपर करके हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब दो दिन इसको धूप दिखाएंगे, दो दिन तीन दिन इसी बकेट में, इसलिए मैं बकेट में बनाई हूँ, और इसको कपड़े से ढक के धूप दिखाऊंगी। मतलब कपड़ा बोले तो या तो कॉटन का दुपट्टा या अस्तर का जो कपड़ा होता है उस टाइप का कपड़ा लूंगी, कि जो इससे वेपराइज होके पानी निकलेगा वो उड़ जाएगा, और उसके ऊपर आधा थाली ढक देंगे, आधा आधा खुला रहेगा कपड़ा पर, कपड़ा पर भी आधा थाली ढक देंगे। हाथ नहीं लगाना, छिलका है रहने दो, वीडियो स्टॉप करो थोड़ा देर। देखिए चम्मच से ठीक से अगर लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इसको हम इस प्रकार उछाल करके, ऐसे ऐसे उछालने से ना इसको इस प्रकार अंदर ऐसे कीजिएगा ना, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। बकेट को घुमा घुमा के एक बार इधर से एक बार इधर से, चम्मच से हो सकता है करने में दिक्कत हो, लेकिन इस प्रकार देखिए एक एक आम में मसाला लग गया। देखिए एक एक आम में मसाला अच्छे से लग गया है, आपको यही देखना है कि एक एक आम में बढ़िया से लगा कि नहीं, और टेस्ट करके आप नमक अभी भी डाल सकते हैं, जब तक जार में नहीं भरते तब तक सब कुछ डाल सकते हैं। आपको कम लग रहा है हल्दी मिर्ची, जो भी सारे मसाले आप ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे अब बढ़िया से कर लिए, और तेल में डुबाना है बर्नी में डालने के समय, जब बर्नी में डालेंगे जार में तो तेल में हम उसको डुबा देंगे ऊपर से, डुबा के रखने से अचार खराब नहीं होता है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड नाइट।